मॉडर्न साइंस फेल हो जाती है वहां पर भारतीय चिकित्सा पद्धति का जन्म होता है और जननी माना जाता है। बेशक पिछले कुछ दशकों के दौरान जिस तरह से मॉडर्न साइंस ने प्रगति की है, लेकिन जीवन बचाने में वो जीवनदायिनी उस गति से साबित नहीं हुई है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं होम्योपैथ के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुधीर तोमर जी का, जिन्होंने कैंसर जैसे असाध्य रोग जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी जैसे प्रोसीजर के बाद सैकड़ों मरीज जो जिंदगी की अंतिम आस लिए दर्द में जीवन जी रहे हैं कि मौत कब आएगी, ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। भगवान के रूप में भी इनको कहा जाए तो कम है। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है, मैं हेल्थ जर्नलिस्ट हूँ। पिछले करीब 30 साल हो गया है जो मैंने पूरे भारत के विभिन्न नामचीन डॉक्टरों, चाहे एम्स हो, गंगाराम हो, तमाम कॉर्पोरेट और मझोले स्तर के अस्पतालों, डॉक्टरों, प्रैक्टिशनर से हमने परामर्श किया है। लेकिन जो डीकम्पोज थेरेपी की बात कर रहे हैं, जो डीएनए में आई विकृति को दूर करने को रोकने की गति को रोकने में इन्होंने महारत हासिल की है, तो आइए मिलाते हैं ऐसे नामचीन शख्सियत से डॉक्टर सुधीर तोमर जी। सर, डीकम्पोज थेरेपी क्या है और कैंसर जैसे असाध्य रोग में किस तरह ये बढ़ने, आकार रूप लेने और मृत्यु के करीब से बचाती है? देखिए, अभी जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है दुनिया में वो सेल्स की ग्रोथ को डेट करते हैं, इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों तरीके की सेल्स मारे जाते हैं। तो मॉडर्न साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक के बारे में मुझे नहीं पता या होम्योपैथिक पे कौन लोग क्या काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं पिछले काफी दिनों से, यानी कि जब मैं पढ़ता था उसी टाइम से पेशेंट देखने चालू किए, और अभी पिछले 3-4 सालों से इसी के ऊपर फोकस है। 2002 से कंटिन्यू हमने स्पेस के काम इस पर चालू किया, लेकिन 3 साल से फोकस है, रिजल्ट मिलने शुरू हुए। उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास, मोस्टली पेशेंट लास्ट स्टेज के होते हैं जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं, वो आते हैं, उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स के होते हैं। इवन नाम मैं नहीं लेना चाहता, सरकारी और गैर सरकारी सभी हॉस्पिटल्स के होते हैं, आखिरी स्टेज के होते हैं, ब्लड कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो, जो भी कैंसर है, और उनको इनको बोल दिया जाता है कि आपकी लाइफ 1 महीना है, 1.5 महीना है, वो लोग ठीक हो रहे हैं, उनको रिजल्ट मिलता है। अब आ जाती है डीकम्पोज, यानी कि जो सेल्स की ग्रोथ है हम उसको रोकते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स को रोकते हैं। जैसे ही सेल्स की ग्रोथ रुकती है तो पेशेंट को भी आना शुरू हो जाता है। अभी जो काम है हमारा रिवर्स ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए में डिस्टर्बेंस को हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आने वाले समय में एक वरदान साबित होगा। और अभी जो इस पर काम किया है पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले हैं, और कई पेशेंट ब्लड कैंसर थे जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में थे, बहुत ही वर्स्ट स्टेज में थे, उनको काफी सुधार और ठीक होने की कोशिश। ऐसे मरीजों का जो असाध्य रोग घोषित होने के बाद, तमाम अस्पतालों में भटकने के बाद, उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाती है और उनका इम्यून सिस्टम एकदम से बिगड़ा हुआ होता है, उनके अपने भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको किस तरह की आप काउंसलिंग करते हैं? देखिए, काउंसलिंग में हम सबसे पहले है कि कोई भी बीमार होता है उसकी जो दवाई होती है, हमारा वो ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक का सिद्धांत है, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ दवाई बिल्कुल निःशुल्क है, कंसल्टेंसी बिल्कुल निःशुल्क है, कोई हम कैंसर के मरीज से चार्ज नहीं करते। मानवता के नाते हमने एक पहल की है, और मैं लोगों से आह्वान करता हूँ जो कैंसर से पीड़ित हो उनको बताइए। जी नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शक, हमारे जो वेलविशर्स हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ताकि उसके पीछे का जो उद्देश्य है उस ब्लॉक स्तर, उस तालुका स्तर पर, जहां पर आज भी विज्ञान, आज भी सूचना प्रौद्योगिकी की पहुंच कमजोर है, वहां तक आपके इस वीडियो के माध्यम से पहुंचे और डॉक्टर तक पहुंचे। हम हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं डॉक्टर साहब का, आप जो नहीं भी आ सकते वो फोन पर इनसे सलाह ले सकते हैं और डॉक्टर साहब जो भी मदद होगी आपको करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर तोमर साहब को पुनः नमस्कार, नमन, धन्यवाद।